डीसीपी योगेश चौहान सर तशरीफ लाए, आपका इस्तकबाल है। फहरिस्त में यकीनन एक और दो नाम बचे हुए हैं, एक प्रेसिडेंट शब्बीर खान साहब का और दूसरा नाम जनाब अली कैसर खालिद साहब का है। कैसर खालिद साहब बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजिंग पावर रखने वाली शख्सियत, मुशायरों की दुनिया का एक बहुत ही अछूता और अदबी नाम, और जहाँ जहाँ इंसानियत की खिदमत का काम होता है वहाँ वहाँ मौजूद रहने वाली ये मोहतरम शख्सियत आज हमारे शहर की खुशनसीबी है कि हमारे बीच मौजूद हैं। कि खौफ तुझसे कब मुझे यह गर्दिश अय्याम है, मोड़ देना रुख थपेड़ों का हमारा काम है, और आदमी को आदमी के काम आना चाहिए, काम आना आदमी के आदमी का काम है, इसी काम को अहमियत देते हुए आज वो हमारे बीच है। मैं बहुत ही अदब के साथ इल्तिमास करता हूँ इजहार ख्याल के लिए तशरीफ़ लाएं, और ये बताने की मैं जुर्रत नहीं करूँगा कि वक्त क्या लिखा हुआ है। आपका इस्तकबाल है सर। सदर जलसा शब्बीर साहब, भाई शोएब गुड्डू, स्टेज पे मौजूद तमाम इज़्ज़त माफ शख्सियात और दोस्तों, आज जिस हवाले से मुंबई से मुझे यहाँ आने का मौका मिला वो एक अवार्ड फंक्शन है। एक तंजीम जिसने ये कोशिश की है कि ना सिर्फ कि लोगों की मदद की जाए, इंसानियत की मदद की जाए, इंसानियत के हवाले से कुछ काम अंजाम दिए जाएं, बल्कि वो लोग जो इस तंजीम से वाबिस्ता भी नहीं हैं लेकिन अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी खिदमात का एतराफ़ भी किया जाए। आदमी की नज़र अमूमन ख़ुद पर होती है, वही अपने आप को सेंटर में रखता है और तमाम तर जो कोशिशें करता है वो अपने लिए करता है, अपनी ज़ात के हवाले से करता है, ये हम सब की फितरत में है। लेकिन कभी अपनी ज़ात को ज़रा बाजू में रख कर के समाज में बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं, क्या ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ एक्सेप्शनल काम किया है, क्या ऐसे लोग हैं जिन्होंने के रोल मॉडल का काम अंजाम दिया है, क्या ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने आप को, अपनी मसरूफियत को, अपने आसाइशों को ताक पर रखकर औरों के लिए भी और उनके ज़िंदगी को, उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का काम किया है। अभी गुफ्तगू हुई इस हवाले से कि 1400 साल पहले कुरान में क्या कहा गया, उससे भी पीछे चला जाइए, हज़रत मूसा का दौर 1500 बीसी का समझा जाता है। ये 1400 साल मतलब अभी हम 2200 में हैं एडी, और उसके पहले भी 1500 साल आप जोड़ लीजिए। तौरात नाजिल हुई थी, अगर आप तौरात को पढ़ेंगे तो ऐसी ही चीज़ें वहाँ पे भी मिलेंगे। उससे भी पीछे हम चले जाएं या उसी के आसपास हम वेदों को पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसी बात है। श्रीमद् भागवत गीता को जब हम पढ़ते हैं तो इंसानियत के हवाले से वो सारी बातें जो हम और जगहों पे देखते हैं वहाँ पे भी मिलती हैं, क्योंकि इंसानियत का जो बुनियादी असासा है वो एक जैसा है। और यही वजह है कि हर जुमे के खुतबे में जिस आयत को सूरह मोमिनीन की हम बार बार पढ़ते हैं, दोहराते हैं कि वल अम्र बिल अदल वल एहसान व इताइज़िल क़ुरबा व इन्हायिल फ़हशा वल मुनकर वल बग़, ये बुनियादी तौर से हमारा समाजी दस्तूर है कि हम समाज में जो अच्छी चीज़ें हैं, जिसको हर शख्स अच्छा समझता है, जिसको हर मज़हब अच्छा समझता है, जिसको हर कौम के लोग अच्छा समझते हैं, उसकी तरफ बुलाने वाले हो जाएँ, अच्छाई की तरफ बुलाने वाले हो जाएँ। ये कोई मज़हबी अच्छाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये समाज की मानी हुई अच्छाइयाँ हैं, वो अच्छाइयाँ जिसको हिंदू भी अच्छा समझे, जिसको मुस्लिम भी अच्छा समझे, जिसको सिख और बुद्ध और ईसाई भी अच्छा समझें, तो वो है अम्र, वल अम्र बिल अदल, और हम इंसाफ का रवैया अपनाएंगे अपने मामले में भी समाज में भी। और यही वजह है कि कुरान में कहा गया कि गवाही अगर अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ या ख़ुद के ख़िलाफ़ भी देनी पड़े तो दो, और किसी कौम की दुश्मनी भी तुमको इस बात पे आमादा ना करे कि तुम सच बात कहने से चूक जाओ।
तो हमको इंसाफ बहरहाल करना है, और हमारा रवैया लोगों के साथ कैसा होगा। हम किसी समाज में रहेंगे, किसी माशरे में रहेंगे, अलग अलग किस्म के लोग उसमें मिलते हैं, तो हम उनके साथ एहसान का रवैया रखेंगे। हम जो ले रहे हैं उनसे, उससे ज़्यादा कुछ उनको वापस करेंगे, एक बेहतर रवैया रखेंगे, वो एहसान का रवैया होगा। हम रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ों के साथ, अकरबा के साथ मोहब्बत का, अखुवत का रिश्ता रखेंगे, और हम बुराइयों से, समाज की मानी हुई बुराइयों से अपने आप को और अपने लोगों को दूर रहने की तलकीन करेंगे, जिसको हम कहते हैं मुनकर, बुरी चीज़ें जिसको हर आदमी बुरा समझे। ये कोई मजहबी बुराई नहीं है, ये समाजी बुराइयाँ हैं। मिलावट करना, झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना, फरेब देना, हम उससे दूर रहें, तो ये मुनकर है। और फहश चीज़ों से हम दूर रहें, फहश और कुछ नहीं है, जिसको हम सेक्सुअल परवर्शन कहते हैं, हम उस चीज़ से दूर रहें। और किसी के जान, माल या आबरू के खिलाफ कोई गैर इंसाफी का स्टेप नहीं लें, अनरीजनेबल कोई स्टेप नहीं लें, इसको बग कहते हैं अरबी में। तो ये हमारा लाहे अमल है, ये हमको सिखाया गया है, और ये सिर्फ हम में नहीं है, हर शख्स में, हर मज़हब में इस किस्म की चीज़ें, मिलती जुलती चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये क्यों? क्योंकि समाज एक बेहतर समाज हो। इस दुनिया में तमाम लोग एक मज़हब पे, एक रिवायत पे नहीं आएंगे, यहाँ डाइवर्सिटी रहेगी, यहाँ अलग 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 किस्मों के लोग रहेंगे, उनके दरमियान क्या रिश्ता होगा? उनके दरमियान रिश्ता इस चीज़ का होगा कि अच्छाइयों की तरफ कौन रागिब है, अच्छाइयों की तलकीन कौन करता है, अच्छे काम कौन करता है, और बुरे कामों से कौन रुकता है। आज जिनको हम यहाँ अवार्ड देने जा रहे हैं, वो उस कैटेगरी में हैं जो अच्छे काम करते हैं, और ये समाज की मीरास हैं, ये समाज का असासा है। हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा मिसाल, एग्जाम्पल्स को लोगों के सामने रखें। याद रखिए, समाज तब बदलता है जब समाज का जो लीडरशिप है, समाज का जो बाख्तियार तबका है, वो अच्छाइयों की तरफ मतवज्जा होता है, वो अच्छे काम करता है, वो अच्छी मिसाल सेट करता है, अच्छे एग्जाम्पल सामने लाता है, ताकि लोग उसको देखकर अच्छी चीज़ों को अपनाएं। और जब लीडरशिप ख़राब हो जाती है, वो बुराई की तरफ चली जाती है, तो समाज का रुझान भी बुराई की तरफ होता है। ये आप जब रसूलों की तारीख पढ़ेंगे तो उससे भी पता चलेगा। तो मुझे खुशी है कि इसराइल साहब और उनके तमाम रुफका ने आज इस शाम का यहाँ इनाकाद किया, उन लोगों को फेलिसिटेट करने के लिए, उन लोगों की इज़्ज़त अफजाई करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए, जिन्होंने कि समाज में अच्छा काम किया है। खुदा करे कि अगली बार जो अवार्ड लाने वाले लोग हों उनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो कि हमारी जगह कम पड़ जाए, और बुरे काम करने वाले इतने कम हों कि हमें गिनने से भी वो ना मिलें। ये अभी जो समाज में मसला है कि यहाँ पे बुराई की जीत होती हुई नज़र आ रही है, अच्छाइयाँ घटती जा रही हैं। अभी हम परसों जो है दशहरा का त्यौहार मनाए हैं, वो त्यौहार भी यही है, बुराई पर अच्छाई की जीत, यही पैगाम उस त्यौहार का भी था, और यही पैगाम आज आपने जो महफिल सजाई है उसका भी है। तो मैं दुआ करता हूँ कि आपने जो मिशन चालू किया है, जो काम चालू किया है, उसमें आपको कामयाबी मिले। याद रखिए, अच्छाई का रास्ता ज़रा मुश्किल होता है, उसमें तकलीफ़ें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, पैसा भी हो सकता है घर से लगाना पड़े, हो सकता है बहुत सारे लोग साथ ना दें, लेकिन आखिर में यही वो रास्ता है जिसमें हमको दिल का सुकून, तशफ़ी, और हमको एक कंटेंटमेंट मिलेगा, और यही वो रास्ता है जिसकी मीरास हम यहाँ से अगर छोड़ कर गए तो लोग हमें याद करेंगे। जैसे आज टावरे साहब के आबा अजदाद को आपने यहाँ याद किया कि वो एक ऐसे शख्स थे, ऐसी शख्सियत थी कि जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने लिए क्या किया वो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अपने को बाजू में करके औरों के लिए क्या किया, आज उस चीज़ को आप याद रखते हैं और इसीलिए उसको अपनी मीरास में गिनते हैं। तो ऐसे मीरास, ऐसी रवायत कायम करने वाले लोग समाज में बहुत ज़्यादा हों, ताकि समाज की जो मौजूदा शक्ल है वो बदल सके। इसी दुआ के साथ मैं अपनी तकरीर यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। बहुत अच्छी गुफ्तगू और बहुत अच्छा पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और उनकी अखलाक हसना के हवाले से, कि इंसान कमाल नफ्स से सरशार हो गया,
इज्जत का नाम अहमद मुख्तार हो गया, देखी जो तेरी नरमी किरदार की अदा, पत्थर भी खुद से माइले गुफ्तार हो गया। यकीनन यही पैगाम आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब लोग यही पहुँचाना चाहते हैं पैगाम। बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे कैसर खालिद साहब, बहुत ही बड़े इंसान के बुलंदियाँ उतर आई हैं उसके आंगन में, बुलंदियाँ उतर आती हैं उसके आंगन में, ज़मीं पे रहता है वो शख्स आसमां की तरह। आज हमारे बीच मौजूद हैं कैसर खालिद साहब,